आज हमारा देश अगर किसी बीमारी की सबसे ज्यादा गिरफ्त में है तो वो बीमारी है डायबिटीज। शायद ही ऐसा कोई शख्स हो जो इस बीमारी से अनजान हो, क्योंकि आज घर घर में डायबिटीज के मरीज हैं। डायबिटीज यानी मधुमेह के जितने मरीज हैं, उसमें 17% अकेले भारत में है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में करीब 10 करोड़ लोग डायबिटीज के मरीज हैं और 2045 तक ये आंकड़ा 13 करोड़ को पार करने वाला है। और ICMR की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 13.6 करोड़ लोग प्री डायबिटिक की श्रेणी में हैं। यानी अगर अभी उन्होंने अपनी जीवन शैली में बदलाव नहीं किया तो जल्द ही वो डायबिटीज का शिकार होंगे। ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें हमारे शरीर की पैनक्रियास इंसुलिन का उत्पादन करना बंद या कम कर देती है, जिससे हमारे ब्लड में ग्लूकोज का स्तर बढ़ने लगता है। दरअसल इंसुलिन हमारे शरीर में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। जब ऐसा नहीं होता तब हम डायबिटीज यानी मधुमेह के शिकार हो जाते हैं। डायबिटीज को दो भागों में बांटा गया है, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज। लेकिन काफी लोग ये नहीं जानते कि टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज आखिर होती क्या है। चलिए अपनी आज की इस वीडियो में बात करेंगे टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज और जानेंगे क्या है इन दोनों में फर्क। सबसे पहले बात करते हैं टाइप 1 डायबिटीज की। दरअसल टाइप 1 डायबिटीज वो समस्या है जो जेनेटिक वजह से होती है। जेनेटिक का मतलब जो बच्चे को उसके माता पिता से विरासत में मिलती है, यानी कि अगर परिवार में माता पिता दादा दादी में से किसी को डायबिटीज की बीमारी है तो ऐसे में व्यक्ति में इस बीमारी के होने की आशंका कई गुना बढ़ जाती है। टाइप 1 डायबिटीज की समस्या बच्चों में जन्म से भी देखने को मिल सकती है। कई बच्चों में बचपन से ही शरीर में इंसुलिन नहीं बनता, इससे रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जेनेटिक कारणों से पैनक्रियाज में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यानी इसमें अपनी ही शरीर की कुछ कोशिकाएं दूसरी कोशिकाओं को दुश्मन की तरह रिएक्ट करती हैं और उन पर हमला करके उन्हें नष्ट कर देती हैं। टाइप 1 डायबिटीज में शरीर में इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनता, इसीलिए मरीज को समय समय पर इंसुलिन के इंजेक्शन देने की जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज की। वही टाइप 2 डायबिटीज के लिए कई कारक जिम्मेदार हैं। इनमें मोटापा, हाइपरटेंशन, नींद की कमी और खराब लाइफस्टाइल जैसे कारक जिम्मेदार हैं। इसी के साथ साथ इसके लिए जेनेटिक कारक भी जिम्मेदार होते हैं। हमारी खराब जीवन शैली के चलते धीरे धीरे हमारे शरीर में इंसुलिन बनने की मात्रा कम हो जाती है, जिससे शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में टाइप 2 डायबिटीज की शिकायत शुरू होती है। वैसे तो ये किसी भी उम्र में हो सकती है, लेकिन आजकल ये युवाओं में काफी तेजी से फैल रही है, इसीलिए डॉक्टर समय समय पर ब्लड शुगर टेस्ट करवाने की सलाह देते हैं। क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज हमारी खराब जीवन शैली की वजहों से होती है, इसीलिए इसे नियंत्रण करने के लिए भी जीवन शैली में बदलाव करने के सुझाव दिए जाते हैं, जिसमें वजन कम करना, संतुलित आहार लेना, एक्सरसाइज करना और तनाव कम लेना जैसे सुझाव शामिल हैं। इसी के साथ ही दवाओं के माध्यम से इसे कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन अगर रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है तो डॉक्टर इंसुलिन लेने की सलाह देते हैं। हालांकि प्री डायबिटीज के मरीजों में कोई खास लक्षण नहीं दिखाई देते, लेकिन अगर टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज की बात करें तो इनके लक्षण बहुत तेजी से दिखाई देते हैं। इनके लक्षणों में मुख्यतः बार बार प्यास लगना, बार बार पेशाब आना, बहुत ज्यादा भूख लगना, अचानक से शरीर का वजन कम या ज्यादा होना, थकान, चिड़चिड़ापन, आंखों के आगे धुंधलापन, घाव भरने में ज्यादा समय लगना, स्किन इन्फेक्शन, ओरल इन्फेक्शन और वजाइनल इन्फेक्शन शामिल हैं। ठीक ऐसे ही लक्षण दिखाई देने पर तुरंत ब्लड शुगर टेस्ट करना चाहिए और डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और अपने लाइफस्टाइल में बदलाव लाने चाहिए। इसके लिए अच्छी पौष्टिक डाइट लें जिसमें शुगर की मात्रा कम हो, एक्सरसाइज को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, अपना शुगर लेवल चेक करते रहें ताकि इसको कंट्रोल करने में आपको मदद मिले। अगर आपके परिवार में डायबिटीज की हिस्ट्री है तो समय समय पर अपना शुगर लेवल भी चेक करवाते रहें। मोटापा डायबिटीज का एक मुख्य कारक है, इसीलिए हाई ब्लड शुगर लेवल की समस्या से बचने के लिए अपने वजन को नियंत्रण में रखें, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, पर्याप्त नींद लें और स्ट्रेस को मैनेज करें। हालांकि डायबिटीज को पूरी तरह से खत्म तो नहीं किया जा सकता, चाहे टाइप 1 डायबिटीज हो या टाइप 2 डायबिटीज, लेकिन इसको कंट्रोल में रखकर इससे होने वाले नुकसान को कम जरूर किया जा सकता है और एक स्वस्थ जीवन भी जिया जा सकता है।